दोस्तों, हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को नहीं बोल रहा हूँ। हमारे टीचर्स, आपके टीचर जो है, सबके लिए हैप्पी टीचर्स डे। और कोई टीचर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसे हैप्पी टीचर्स डे। तो आज 5 सितंबर है टीचर्स डे का दिन, लेकिन फिर भी आज वीडियो तो बनाएंगे। हमारा काम है सबसे पहले वीडियो बनाना, उसके बाद ही कुछ काम करना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेके आ गया हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 50,000 के नीचे 5 सबसे अच्छे लैपटॉप। लेकिन उसके पहले, अगर पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन दबा दें। तो याद रखिए दोस्तों, हम जब भी ऐसा कोई वीडियो बनाते हैं तो बहुत रिसर्च जाता है, उसके बाद में ही आप तक ये लिस्ट पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। हमारे मेहनत के लिए तो लाइक कर दीजिए, और आज टीचर्स है फिर भी वीडियो बनाया, इसीलिए भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। तो हमारे लिस्ट का जो 5वें नंबर का लैपटॉप आता है, वो आता है असुस की तरफ से, असुस वीवो बुक 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, 8 GB रैम है, 512 GB की SSD है, मतलब राइट एंड रीड स्पीड फास्ट हो जाएगी, मतलब अच्छी चलेगा, राइट एंड रीड स्पीड अच्छा हो जाएगा। i5 8th जनरेशन है, और इसमें 2 GB का NVIDIA का ग्राफिक कार्ड भी आता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, मतलब आपको बार बार पासवर्ड डाल के अपना लॉक खोलने का टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको विंडो 10 भी मिलता है, और इसकी प्राइस है 49,999। तो आगे बढ़ते हैं, और हमारे लिस्ट का जो 4th नंबर का लैपटॉप आता है, वो आता है रिसेंटली लॉन्च बाई MI, दैट लैपटॉप इज़ मी नोटबुक 14 इंच का लैपटॉप है, फुल HD डिस्प्ले है, 8 GB रैम है, 512 GB की SSD है, i5 10th जनरेशन है, NVIDIA का 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, और इसकी प्राइस है 47,999। इसमें विंडो 10 आता है, लेकिन दोस्तों कई इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि एक प्रॉब्लम बताता हूँ, इसमें आपको वेबकैम नहीं मिलता है इन द लैपटॉप। हाँ, मिलता है, इन द बॉक्स अलग से आता है, पर उसको केबल से कनेक्ट करके लैपटॉप के ऊपर आप ऐसे डाल लीजिए, उसका यूज कर सके, ऐसा है वो। तो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, बट चलिए ठीक है, इसलिए हमारे लिस्ट में 4th नंबर पे है MI की तरफ से। अगर आपको MI ब्रांड अच्छा लगता है तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। तो हमारे लिस्ट का जो 3rd नंबर का लैपटॉप आता है, वो आता है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो आइडिया पैड S145। बड़ा लैपटॉप है, 15.6 इंच का बड़ा लैपटॉप है, फुल HD डिस्प्ले है, 8 GB रैम है, और इसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है स्टोरेज में, 1 TB की हार्ड डिस्क एंड 256 GB की SSD, मतलब स्टोर भी हो जाएगा और स्पीड भी अच्छी मिलेगी। i5 10th जनरेशन है, इट इज़ लेटेस्ट। अब मैंने सॉरी क्यों बोला, आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा तो इसलिए वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा। और इसमें भी आपको NVIDIA का 2 GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है, 2 GB ग्राफिक कार्ड, विंडो 10 है, और इसकी प्राइस भी कुछ 49,990 रुपये है, 10 रुपये कम है आपको 50,000 में। और हमारे लिस्ट में जो 2rd नंबर का लैपटॉप आता है, वो आता है असुस की तरफ से, असुस टफ गेमिंग FX505DY, ये इसका कोड नेम है, अब मॉडल नंबर है। इसमें भी 15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, 8 GB रैम है, 512 GB की SSD है, और आपको इसमें AMD का राइजन 5 प्रोसेसर मिलता है, रेडियन का 4 GB ग्राफिक कार्ड है इसमें, मतलब 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिलेगा आपको, फिर विंडो 10 है इसमें, और इसकी प्राइस है 48,999। ये अच्छा है मतलब, लेकिन इसकी वेट थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब मीडियम वेट है, कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, इट इज़ गुड। हमारे लिस्ट में 2rd नंबर के लिए बिल्कुल सही है। तो हमारे लिस्ट का जब पहला नंबर आता है, उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक कर दिया, बहुत तेज़ हो रहे हो आजकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे लिस्ट में जो नंबर 1 आता है, वो आता है असुस की तरफ से, असुस वीवो बुक गेमिंग, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 8 GB रैम है, 512 GB की SSD है, i5 8th जनरेशन है, NVIDIA का इसमें 4 GB का ग्राफिक कार्ड आता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, विंडो 10 है, और इसकी प्राइस है 49,999। अब बताते हैं दोस्तों कि मैंने वहाँ वीडियो के बीच में सॉरी क्यों बोला था। मैंने आपको बताया था कि उसमें i5 10th जनरेशन है, विच इज़ लेटेस्ट, फिर मैंने सॉरी बोला था, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट नहीं रहा। कल या परसों इंटेल ने अपना i5 i3 एंड i7 के लिए 11th जनरेशन का प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है, तो लेटेस्ट तो नहीं रहा, हाँ बट लेटेस्ट अभी तक के लैपटॉप में आया हुआ। तो इंतज़ार रहेगा कब आता है i5 11th जनरेशन, i3 11th जनरेशन, i7 11th जनरेशन पे,
लैपटॉप देखेंगे और आपको भी ज़रूर बताएंगे हमें कैसा लगा। वेट करते हैं, तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और वो लाल वाले बटन के साथ आप लैपटॉप बाजी खेलिए या फ़ोन बाजी खेलिए, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।